आईएमए के द्वारा आयोजित डॉक्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में एक संवाद हो, चर्चा हो और किस तरीके से हम संपूर्ण देश के अंदर हेल्थ फॉर ऑल और भविष्य की चुनौतियों के विषय पर चर्चा संवाद कर सके। ये बात सही है कि 100 साल बाद जब वैश्विक महामारी कोरोना हमारे बीच में जब आई, तब हमें चिकित्सा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, मैन पावर के बारे में और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के लिए एक विशेष ध्यान दिया, क्योंकि एक वैश्विक चुनौती थी, संपूर्ण विश्व के अंदर हर देश के अंदर इस चुनौतियों का सामना किया। भारत की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या की स्थिति, हमारे चिकित्सा के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर के कारण हमारे लिए विशेष रूप से ये चुनौती थी। लेकिन उसके बाद भी हम दुनिया के विकसित देशों के अंदर के मुकाबले अगर भारत की मैन पावर को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, तो हमारी पहुंच कम थी। लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी के समय हमने किस तरीके से, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकार हो, सबने मिलकर सामूहिकता के साथ इस चुनौतियों का मुकाबला भी किया और कम संसाधन, कम मैन पावर होने के बाद भी हमने सामूहिक प्रयासों से लोगों तक चिकित्सा व्यवस्था पहुंचाने का काम किया। इसके लिए मैं देशभर के चिकित्सकों को, पैरामेडिकल स्टाफ को, सफाई कर्मी को, अटेंडेंट को, उन सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने उस चुनौतियों के समय दुनिया में बताया कि मानवीय संवेदना और मानवीय संवेदना के साथ कार्य की संस्कृति, यह हमारे देश की विशेषता है और इसी कारण हम चुनौतियों का मुकाबला कर पाए। लेकिन अब ये विषय दुनिया के किसी सभी देशों ने अपने अपने स्तर पर इसमें प्रयास करने के शुरू किए, भारत में भी इस पर व्यापक रूप से एक बहुत बड़ा परिवर्तन चिकित्सा क्षेत्र के अंदर और भावी चुनौतियों को देखते हुए किस तरीके से हम कोई भी वैश्विक चुनौती आ जाए तो किस तरीके से मुकाबला कर सकते हैं, जो हमारे पास राज्यों के पास जो आर्थिक संसाधन है, केंद्र के पास जो आर्थिक संसाधन है, उनका बजट है, उसके आधार पर एक व्यापक प्रयास सरकारों ने किया है। हमने कोविड के बाद हमारी वैक्सीनेशन को डेवलप कर हमने टेक्नोलॉजी, विज्ञान और उसके साथ साथ दुनिया के अंदर आज भी जितनी विकासशील कंट्रीज है उसके अंदर भारत की मेडिसिन की विशिष्टता, प्रमाणिकता भी है। मैं जब अफ्रीका कंट्रीज में जाता हूं तो वहां के अफ्रीका कंट्रीज के लोग कहते हैं कि सबसे
दवाइयां और असरदार दवाइयां भारत की है, यह हमारी प्रमाणिकता बनी, विशिष्टता बनी। वैक्सीनेशन की टेक्नोलॉजी विज्ञान के अंदर हमने दुनिया को बताया कि हम खुद अपनी टेक्नोलॉजी अपने वैज्ञानिक संसाधनों से, जब दुनिया वैक्सीनेशन नहीं बना पा रही थी उस समय भारत ने बनाई। तो ये सब परिवर्तन का दौर है, लेकिन उसके साथ साथ ये विषय महत्वपूर्ण है कि हम किस तरीके से हमारे देश की जनता के अंतिम व्यक्ति तक चिकित्सा व्यवस्था को बेहतरीन कर सकते हैं। उसके लिए जहां चिकित्सकों की पिरामिडल की आवश्यकता है, उसके साथ साथ जनप्रतिनिधि, जो कई जनप्रतिनिधि डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर हैं जनप्रतिनिधि तो ज्यादा संवेदना है, लेकिन सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने लोकसभा विधानसभा पंचायत नगरपालिका और अपर हाउस के हमारे राज्यसभा के सदस्य, उनका प्रयास रहता है कि मेरे क्षेत्र की जनता स्वस्थ रहे, और उसके लिए वह लगातार अपने स्तर पर, जहां डेमोक्रेसी के प्लेटफार्म पर अपनी बात को कहते हैं, जहां राज्य सरकार के स्तर पर आवश्यकता होती तो राष्ट्र, क्योंकि हेल्थ मेजर विषय राज्यों का रहता है, तो एक प्रयास कोऑर्डिनेशन के साथ बढ़िया चल रहा है। मुझे याद है उस समय कि हमारे यहां पर 10-10 12-12 किलोमीटर तक एक आंगनबाड़ी की, एक हेल्थ वर्कर, आशा सहयोगनी, ऐसी महिलाएं अपने पति के साथ बच्चों के साथ दूर दराज के इलाके में जाकर किस तरीके से कोविड की चुनौतियों के समय उन्होंने काम किया। तो डॉक्टर ने संवेदना के साथ काम किया, लेकिन सभी जो पैरामीटर से लेकर जो तमाम इससे जुड़े लोग हैं, उन्होंने भी अपने प्रयास किए हैं। और मैं आईएमए से आग्रह करना चाहता हूं, यहां सभी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बैठे हुए हैं, किस तरीके से आपके क्या सजेशन है, आपके क्या सुझाव हैं, क्या इनपुट हैं, समय समय पर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बताते रहें, ताकि जहां राज्य हो केंद्र हो वहां जनप्रतिनिधि अपने अपने प्लेटफार्म पर डेमोक्रेटिक संस्थाओं के माध्यम से अपने सुझाव दें, व्यक्तिगत रूप से मिलकर किस तरीके से हम मेडिकल के अंदर नया बदलाव ला सकते हैं। आईएमए को एक एक्सपर्ट टीम बनानी चाहिए। अभी परिवर्तन का दौर है, परिवर्तन के दौर में अब भारत के अंदर विश्वविद्यालयों के अंदर रिसर्च होने लगी, अनुसंधान होने लगी, हम दुनिया के अंदर देरी से अनुसंधान रिसर्च करने लगे हैं, लेकिन आने वाला 10-15 साल जब सब विश्वविद्यालयों के अंदर, आईआईटी के अंदर, आईआईटी में पहले भी अनुसंधान चलता, लेकिन हर विश्वविद्यालय हर कॉलेज आने वाले समय में मेडिकल साइंसेज में क्या परिवर्तन हो सकता है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और आईएमए उसके लिए अपनी एक्सपर्टाइज की टीम को और जनप्रतिनिधि के साथ लगातार, आपकी 17 संस्थाएं और 17 संस्थाओं में, चाहे वहां के एमपी हो, एमएलए हो, चाहे नगरपालिका के हो, चाहे पंचायत के हो, उन सबको समय समय पर जो भी आने वाली भावी चुनौतियां हैं उसका समाधान, जो जो बीमारियां भी है उसको रोकने के जो जो इंतजाम वहां की सरकारों ने की है उसकी जानकारी, और भविष्य में क्या बदलाव हो सकता है, उसके लिए आईएमए का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो लगातार जनप्रतियों से संवाद करता रहे, क्योंकि जनप्रति के पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आपकी संवाद चर्चा चलती रही तो वो भी चाहेंगे कि मेरे क्षेत्र की जनता स्वस्थ रहे, और उसके लिए आपके दुनिया से जोड़ने के बाद जो भी आपके बेस्ट विशेषज्ञ हैं, उन विशेषज्ञों की, क्योंकि हेल्थ के बारे में केवल हेल्थ बीमार होने के बाद नहीं, हेल्थ को हम पहले से भी, अब नया रिसर्च होने लगा है कि बीमारियों को रोकने के लिए भी अब सरकारें रिसर्च करने लगी है, अब लोगों सरकार ने उसमें भी प्रयास बहुत अच्छे किए हैं कि बीमारी होने के क्या क्या कारण हैं, वो चाहे एलोपैथिक में हो, चाहे होम्योपैथिक में हो, चाहे एलोपैथी में हो, सभी सेक्टर के अंदर उसके लिए प्रयास हो रहे हैं। मैं तो
जब आयुर्वेद का और यूनानी का जब उद्घाटन करने गया, जब भी मैंने देखा कि वहां भी, कभी मैं सोचता था कि इनका रिसर्च होता ही नहीं होता, वो भी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हमेशा एलोपैथिक से का मानना है कि उनका इलाज विश्वसनीय होता है, प्रमाणिकता होता है, उसमें और रिसर्च की आवश्यकता हो तो उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जो समय समय पर दुनिया की यूनिवर्सिटी से जो हेल्थ में नए परिवर्तन आ रहे हैं उसके लिए आपकी आईएमए एसोसिएशन काम करती रहे, और हम सब जनप्रतिनिधियों के आपको सुझाव मिलते रहे। हम जनप्रतिनिधि हमेशा ये प्रयास करते हैं कि हमारी क्षेत्र की जनता, चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, ये हमेशा प्राथमिकता में रहता है, हर सरकार की प्राथमिकता रहता है, हर जनप्रतिनिधि की प्राथमिकता में रहता है, इसलिए हम भी प्राथमिकता से ही काम करना चाहते हैं, और आपकी 1700 यूनिट हैं, उन यूनिटों के साथ लगातार जनप्रतिनिधियों का संपर्क बना रहे और लगातार हर साल में दो बार चर्चाएं होती रहे, ताकि संपूर्ण जानकारी हेल्थ के बारे में भी एक जनप्रतिनिधि को मिलती जाए, ताकि जो जो केयरिंग हो सकती है, जो जो प्रिवेंटेड वैक्सीनेशन हो सकते हैं उसकी भी जानकारी मिले, ताकि आने वाले समय में हम एक स्वस्थ भारत बनाने की जो हमारा संकल्प है उसको पूरा करके आए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।